अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम को, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बैकबोन होती है। बेसिकली इसके थ्री पॉइंट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो थ्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें जो भी टर्म्स यूज हो रही हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द म्यू, तो ये म्यू क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन सब चीज़ों को। और इसके अलावा हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट में, ठीक है, जिसमें चांस फैक्टर और उस सब की बातें होती हैं। और थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास जिसमें हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की बात करते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कंसीडर द एग्जांपल हेयर। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें जो भी हम स्टेप्स ले रहे होते हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, 50 इंडिविजुअल्स हैं। और वो जो पॉपुलेशन होती है उसका जो मीन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, ठीक है। और जो सैंपल का मीन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। तो सपोज करें हमारी पॉपुलेशन है जिसमें 50 इंडिविजुअल्स हैं। अब उस पॉपुलेशन में से हमने क्या किया है, कुछ सैंपल्स रैंडमली ड्रॉ किए, ठीक है। जो फर्स्ट सैंपल है फॉर एग्जांपल, उसमें 10 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो उसका हमारा जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 10 है इसको हम क्या कहेंगे, N1, ठीक है। जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उस सैंपल में वो क्या होंगे, N, और वो 1 क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट सैंपल है, ठीक है। अब जो इस सैंपल का हमारे पास मीन है उसको हम क्या कहते हैं, X1 बार, ठीक हो गया। इसी तरह हम सेकंड सैंपल ड्रॉ करेंगे, वो भी क्या होगा, उसके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसको हम N2 से डिनोट करेंगे, और उसका जो मीन होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, X2 बार्स। इसी तरह थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल एंड फिफ्थ सैंपल। इस तरह से हमने क्या किया कि हमारा जो पॉपुलेशन का मीन आ गया वो क्या है, म्यू है, ठीक है। और जो हमारे पास सैंपल का मीन है वो क्या है, X1, X2, X3, X4 एंड X5 बार, ठीक है। और साथ में इनके जो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वो क्या है, N1, N2, N3, N4, N5। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए। अब चूंकि हमने क्या किया, ये सब सैंपल्स रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब भी हम रैंडमली ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे जो सैंपल्स हैं वो इक्वली रिप्रेजेंटेटिव हैं पॉपुलेशन के। ये सब क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को इक्वली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हर एक पॉपुलेशन को बिल्कुल बैलेंसली रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर जो पॉपुलेशन, जो भी सैंपल की आपके पास फाइंडिंग्स आ रही हैं, आप उसको पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सैंपल्स हैं वो क्या हैं, पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट करें, कि जो चीज़ें पॉपुलेशन में सैंपल में भी वही हैं, ठीक है। जब हम सैंपल को रैंडमली ड्रॉ करते हैं तो फिर हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक होती है कि आप उसको इक्वली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब हम ये रैंडमली ड्रॉ करने की बात करें सैंपल की, इसका क्या मतलब है, जब भी हम रैंडम, क्या मतलब है कि रैंडम सैंपलिंग का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, लकी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 50 लोग होते हैं, उनमें से आपने 10 सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पर्चियाँ डाली और उनमें से 10 के नेम निकाल लिए। अब ये क्या है कि रैंडम सैंपलिंग है, अब कोई पता नहीं था, किसी को भी आ सकता था नाम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इक्वल चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, 50 में से हर एक के सेलेक्ट होने के कितने हैं, इक्वल चांस है, हर कोई सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ आती है कि अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाली जो कर रहे होते हैं सैम्पलिंग, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब ये 50 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, इनमें से आपने पहले एक चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये जो एक आपने चूज़ किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी, 1/50, ये 50 में से एक चूज़ हो रहा था, ठीक है। जो जितने पर्सन चूज़ हो रहे थे वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और जो नीचे टोटल होते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो टोटल कितने थे, 50, ठीक है, उनमें से हम एक सेलेक्ट करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/50। अब ये जो क्या है कि अगर जब एक निकल गया तो पीछे, अब हमारे पास जब 50 में से 1 निकल गया तो पीछे कितने लोग बचे, 49, ठीक है। अब जो सेकंड पर्सन सेलेक्ट हो रहा है वो कितने लोगों में से सेलेक्ट होगा, 49 में से, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की, 1/49 पर्सन। अब हम क्या करें, एक ही पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं सेकंड वाला, लेकिन उसकी जो है वो 49 में से सेलेक्ट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1/49, ठीक है। अब जो थर्ड है, उस टाइम पे जब दो लोग निकल गए हैं पॉपुलेशन में से, टोटल पॉपुलेशन 50 थी, जब दो लोग निकल गए तो पीछे कितने लोग बचे, 48, ठीक है। अब जब दो लोग निकल गए तो हमारी टोटल पॉपुलेशन 48, और ये थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/48। इसी तरह जो थर्ड फोर्थ पर्सन होगा उसकी क्या होगी, 1/47, एंड देन 1/46, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटीज जो है इक्वल नहीं है, ये सेम नहीं है, क्योंकि हमारी सैम्पलिंग जो है विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, कि जो चीज़ आपने एक बार निकाली आप उसको वापस नहीं डाल रहे। एक पर्सन जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट की पर्ची निकल गई थी, ठीक है, आपने अब उसकी पर्ची दोबारा अंदर नहीं डाली, वो साइड पर निकल गई। अब जो पीछे पर्चियाँ बची हैं वो कितनी हैं, 49, ठीक है। तो ये हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट,
हो गया। अब ये जो रैंडम सैम्पलिंग होता है, इस विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हर जो पार्टिसिपेंट है उसको इक्वल चांस मिल रहा है सेलेक्ट होने के। तो जब हर सैम्पल जो हर पर्सन को इक्वल चांस नहीं मिल रहा, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द चांसेज ऑफ पीपल बींग सेलेक्टेड इन अ सैम्पल आर ऑलमोस्ट नॉन। ये भी हो सकता है कि हमें पहले से ही पता हो। अब जो थर्ड पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, अभी वो उसको सेलेक्ट करना है, लेकिन उसकी हमें चांसेस पता है कि उसके क्या चांसेस हैं, 1/48, क्योंकि दो लोग पहले से ही निकल चुके हैं। ठीक है, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इक्वल चांस मिले, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले ही पता हो सकता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा अननोन हो, हम नॉन भी हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर। ये दो बातें हो गई, ठीक है। और जब हम ऑलरेडी नो होते हैं तो हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और अगर जो सैंपल हो वो इक्वली रिप्रेजेंटेटिव हो, तो फिर हम क्या करते हैं, मीन ऑफ ऑल दीज शुड बी सिमिलर। अब अगर ये सारे सैंपल्स जो हैं वो इक्वली रिप्रेजेंटेटिव हों, जैसे हमने यहाँ पर फाइव सैंपल्स लिए हैं, तो ये अगर ये इक्वली रिप्रेजेंटेटिव हों तो इन सब का जो मीन है वो म्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्यों इक्वल होना चाहिए, कि जो पॉपुलेशन का मीन है, ठीक है, वही इनका मीन होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए ये भी हम एग्जांपल से देखते हैं। ऑल एक्स बार एंड म्यू आर ऑल्सो सिमिलर इफ़ द सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमारा सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, उसमें वही वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सब कुछ वही होगा जो हमारे पॉपुलेशन में है, तो फिर क्या होगा कि एक्स बार और म्यू आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉपुलेशन है, क्लास है, ठीक है, जिसमें क्या है 50 इंडिविजुअल्स हैं। सबकी जो एवरेज CGPA है, एवरेज CGPA का आप क्या मतलब है कि पूरी क्लास की हम बात करें, तो पूरी पॉपुलेशन की जब आप एवरेज की बात करें तो क्या होता है, पॉपुलेशन मीन। ठीक है, पॉपुलेशन मीन को आप किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो म्यू हमारा क्या बन गया, 3.1। ठीक है, अब हमने क्या किया, 10 सैंपल्स ले लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 रेंडम सैंपल्स फ्रॉम दिस क्लास, और हर के अंदर क्या है, 10 नंबर्स ऑफ पीपल है। ठीक है, 10 रैंडम सैंपल ले लिया एंड एवरेज ऑफ दीज हमने ले लिया। ठीक है, इन सब के एवरेज आ गए। अब जो हमने फर्स्ट सैंपल लिया था, ठीक है, जिसमें कुछ लोग थे, उसका एवरेज हमारे पास क्या है, 3.5। ठीक है, जो आपने सेकंड मीन लिया, सेकंड सैंपल लिया, उसका मीन क्या है, 2.9। जो आपने थर्ड लिया उसका क्या है, 3.2। फोर्थ लिया उसका 2.8। अब आप देखें तो पॉपुलेशन का क्या था, 3.1, लेकिन सैंपल्स का क्या है, एक का है 3, एक का है 2.9, एक का है 3.2, एक का है 2.8। उसी पॉपुलेशन में से ये सैंपल लिए, ठीक है, ये पूरी क्लास की जो एवरेज थी वो 3.1 CGPA आई है सबकी, लेकिन ये जो पहले 10 बच्चे थे इनमें सबकी जो एवरेज बन रही है वो 3 बन रही है। ठीक है, ये सारे बच्चे 3 के आसपास लाए कर रहे हैं, अगले वाले जो हैं वो 2.9 के पास लाए कर रहे हैं, थर्ड ग्रुप जो है वो 3.2। अब ये सारे इस तरह से लाए कर रहे हैं, अब ये सेम तो नहीं आ रही ना, इनकी और ये वाली आपस में सेम नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सैंपल से अगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन से अगर आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो वो रिप्रेजेंटेटिव हों, फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे क्या हों, उसके इक्वल हों। तो हमेशा हमारा क्या होता है, म्यू जो है वो एक्स बार के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये आपस में भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, सिर्फ म्यू से नहीं। आप देखें तो ये सारे मीन्स आपस में भी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, और ये सब किस तरह से हो सकता है, जब भी हमारा जो है अगर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, और सैंपल्स भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपने ले लिए, तो फिर जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी भी ज़्यादा आ गई। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो इसलिए उनमें क्या होगा, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, इसलिए उनके मीन और आपस में म्यू जो है वो कंबाइन नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो टोटल की एवरेज आ गई ना, इसलिए। अब हमने क्या किया, रैंडमली लिया, तो रैंडम सिलेक्शन में हर सैंपल जो है कुछ के पास हाई आ गए, कुछ लो अचीवर्स आ गए। फॉर एग्जांपल ये क्या था, फर्स्ट 10 रोल नंबर्स थे, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में। अब सेकंड में क्या आ गए, नेक्स्ट 10 आ गए, इसमें नेक्स्ट 10 आने, हो सकता है कि जो टॉपर हो वो इस ग्रुप में आ गया हो, कोई टॉपर इस ग्रुप में आ गया हो। अब यहाँ पर कुछ हाई अचीवर्स आ गए, कुछ लो अचीवर्स आ गए, कुछ हाई अचीवर्स, कुछ लो अचीवर्स, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हर चीज़ में इस तरह से डिफरेंस आ रहा है। रैंडमली सिलेक्शन हुई है, आपको कोई पता नहीं है कौन बंदा किधर जा रहा है, रैंडमली हो रहा है, कोई टॉपर इधर आ गए, कोई टॉपर इधर आ गए। ठीक है, तो कुछ हाई अचीवर्स, कुछ लो अचीवर्स, तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं इस वजह से, और दूसरा सैंपल जो है वो लार्ज होता है, तो इसलिए हमारे जो मीन होते हैं वो आपस में सेम नहीं आ रहे होते। ठीक है, और जो पॉपुलेशन का मीन होता है वो भी इसके साथ सेम नहीं आ रहा होता। जब ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये हमारे म्यू से भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, और अगर हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो वाली चीज़ें जो किसी भी चीज़ की, वो वाली चीज़ें जो क्या करी होती हैं, अगर आपको वो पता हो तो आप बाकी सारे उसके मतलब बातें जान सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, उसकी एक लेंथ।
सॉरी स्केयर का पैरामीटर होता है एक लेंथ. अगर आप स्केयर की एक लेंथ जान लें, ठीक है, एक एल आपको पता चल जाए, तो आपको उसकी बाकी सारी चीज़ें पता चल जाती है. ठीक है, आपको इस साइड की लेंथ पता चली तो एग्जैक्टली वही लेंथ होती है बाकी साइड्स की भी, और इसी तरह से आप इसका एरिया और भी हर एक चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पैरामीटर स्केयर के लिए क्या हुआ कि जो एक एक बेसिक चीज़ जिससे आप बाकी सारी चीज़ें जान सकें वो क्या हुआ, एल. ठीक है, इसी तरह रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ होती है उसकी और ब्रेथ होती है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं जो आपको पैरामीटर होते हैं और इससे आप बाकी सारी चीज़ें रेक्टेंगल की जान सकते हैं. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बाकी सारी बातें जानने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर हैं वो क्या है. ठीक है, और वो अगर हम वो पैरामीटर जो है वो सैंपल के मीन से जानना चाह रहे हैं, ठीक है, सैंपल का मीन हमें बता दें उन पैरामीटर्स को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एवरेज लेंगे. ठीक है, हमने क्या किया कि हमारे 5 सैंपल्स थे, ठीक है, तो उसका एवरेज ले ले. एवरेज या मीन क्या होता है कि टोटल जो भी आपके स्कोरिंग्स आ रहे हैं उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर दे. ठीक है, तो फर्स्ट का एवरेज, सेकंड का एवरेज, थर्ड का एवरेज, अब क्योंकि ये टोटल क्या है 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 5 कर दिया. तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सैंपल्स का मीन, मतलब मीन ऑफ सैंपल्स है, क्योंकि ये सब क्या है, हर सैंपल का मीन है. और हम टोटल ये इसमें क्या कर रहे हैं कि सैंपल के मीन्स जो हैं उनका भी मीन ले रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीन ऑफ मीन्स, मतलब ये मीन है ना सब, और इन सब का आप मीन ले रहे हैं, तो ये मीन ऑफ मीन्स है. और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स डबल बार से. ठीक है, ये आप देख रहे हैं डबल बार है इसके ऊपर, एक्स डबल बार है. इसको आप एवरेज ऑफ मीन्स भी कह सकते हैं और मीन ऑफ मीन्स भी कह सकते हैं. और ये जो एक्स डबल बार होता है ये हमारे पास क्या होता है, म्यू के इक्वल होता है. ठीक है, अब हमने कहा कि ये म्यू जो है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री के इक्वल नहीं आ रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है, बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे होते हैं, कुछ हाई अचीवर्स होते हैं, कुछ लो अचीवर्स होते हैं, और इसके अलावा हमारी जो पॉपुलेशन है वो लार्ज भी हो सकती है, सैंपल लार्ज हो सकते हैं. लेकिन जब वो आपस में इक्वल ऐसे नहीं आ रहे, या फिर म्यू के भी इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप उसका एवरेज लें, एवरेज जो है टोटल, वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पॉपुलेशन का मीन 3.1 जीपीए था, अब ये जो मीन ऑफ मीन आना चाहिए उन सब की जीपीए को कंबाइन करके, उन सब सैंपल्स की, तो वो आपके पास 3.1 ही आएगा. ठीक है, तो अगर ये आता है तो मतलब आपका क्या है, सैंपल जो है सारे सैंपल्स क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पॉपुलेशन को इक्वली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, मीन ऑफ सैंपल मीन्स है, और ये क्या है, पॉपुलेशन मीन, ये सब आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. ठीक है, ये हो गए बेसिक बात कि सैंपल्स का जो मीन्स हैं उनके जो ओवरऑल मीन है वो हमारे पॉपुलेशन के मीन के इक्वल कैसे हो सकते हैं. इंडिविजुअली इक्वल नहीं होता हर कोई पॉपुलेशन के मीन के, लेकिन उनका मीन जो होता है वो इक्वल होता है. दूसरी बात आती है जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की क्या मतलब होता है कि जब आप एक ही पॉपुलेशन में से, सेम पॉपुलेशन में से क्या करते हैं, डिफरेंट सैम्पल्स लेते हैं. पॉपुलेशन एक ही है लेकिन उसमें से आपने डिफरेंट सैंपल्स लिए. अब उन डिफरेंट सैंपल्स में से आप सेम डाटा कलेक्ट करें, एक ही डाटा आप कलेक्ट करें किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बेसिस पे, तो उस सारे डाटा को, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, पॉपुलेशन आपकी सेम होती है, सैंपल्स आपके डिफरेंट होते हैं, डाटा आपका सेम होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स है दो क्लास के, क्लास ए और क्लास बी, और सबका जो वेट है, नॉर्मल वेट सबका जो दोनों क्लासेस का आपने चेक किया, वो क्या है, एक 45 kg, 50 kg एंड सो ऑन, और भी बच्चों के आ रहे हैं. ठीक है, वो आपके पास आ गए. ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, सबके जनरल जो वेट्स आ रहे हैं वो आपको पता चल गए. अब हम क्या करेंगे, इन सबका जो है आपस में हम मीन ले लें. हमने क्या किया, इनमें से दो जो है वो क्या कर लिए, दो सैंपल सेलेक्ट कर लिए. ठीक है, एक क्लास ए का और एक क्लास ओ का. पॉपुलेशन क्या है, सारे मतलब दोनों क्लासेस ए एंड बी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, पॉपुलेशन सेम है, मतलब एक ही पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, एक ही क्लास है और इसके दो सेक्शंस है, सेक्शन ए और बी. उसमें से आपने अब दो सैंपल्स ले लिए, क्लास ए और क्लास बी. ठीक है, अब आपने उनका अलग अलग से एवरेज निकाल लिया. क्लास ए का जो एवरेज आया वो क्या है, 50, और क्लास बी का जो एवरेज आया वो क्या है, 5.5, वेट की हम बात करें. ठीक है, तो अब ये हमने दो सैंपल्स ले लिया. पॉपुलेशन एक ही थी, स्टूडेंट्स ही थे. ठीक है, एक ही क्लास थी, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्लास 4 है. ठीक है, अब आपने जो सैंपल लिए वो डिफरेंट है, एक सैंपल क्लास ए है और एक सैंपल क्लास बी है. ठीक हो गया. उसके बाद जो डाटा आपने दोनों सैंपल से कलेक्ट किया वो भी सेम है. आपने सब दोनों सैंपल्स में से एक ही चीज़ फाइंड आउट की, वो क्या है, मीन ऑफ वेट. सबके वेट आपके पास गिवन थे, दोनों सैंपल्स के आपने अलग अलग मीन निकाल लिए. अब ये जो डाटा आपके पास आया, एक्स वन और एक्स टू दोनों का जो मीन आया, ये क्या है, ये डाटा कहाँ से आया, कि सेम पॉपुलेशन थी पर क्या थे, सैंपल डिफरेंट थे, डाटा सेम आपने कलेक्ट किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है.
ठीक है, हमने एक चीज़ कैलकुलेट की है, सेम चीज़ क्या की है, किससे सैम्पल्स में से, हर सैम्पल में से वो कौन सी चीज़ की है, यहाँ पर हमने मीन की। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन को जो ये आप डाटा कलेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और जिस भी स्टैटिस्टिक का आप डाटा कलेक्ट करें तो वो होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। ठीक है, जो भी चीज़ आप कैलकुलेट करें सैम्पल में से उसको हम क्या कहते हैं, क्या है, स्टैटिस्टिक है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, सैम्पल हर सैम्पल में से मीन कलेक्ट करें तो फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक यहाँ पर क्या हुआ, मीन। ठीक है, क्योंकि आप सैंपल की जो भी चीज़ है वो स्टैटिस्टिक हुई, तो अगर आप मीन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हुआ, मीन यहाँ पर स्टैटिस्टिक है। तो उस डाटा को जो आपने सैंपल में से मीन कलेक्ट किया वो वाला जो डाटा होगा वो क्या होगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने क्या किया, मीडियन फाइंड आउट किया है सैंपल्स में से, तो वो क्या होगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन होगा। इसी तरह से मॉड एंड वेरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल हमने हर सैंपल में से स्टैटिस्टिक निकाले, हर सैंपल में से आपने जो भी निकाल लिया, मीन फॉर एग्जांपल निकाल लिया, तो वो जब आप उन सारे को आपस में कंबाइन कर देते हैं, उन सारे स्टैटिस्टिक को, जिस तरह हमने X1 X2 X3 जो इन सबको कंबाइन किया, कि मतलब आप सब हम कंबाइनली देख रहे हैं, एक का आपने निकाला, दूसरों का आपने निकाली, अब आप इनको कंबाइनली देख रहे हैं, इन सब मीन को जो भी आपने मतलब निकाला है डाटा, स्टैटिस्टिक जो भी आपने कैलकुलेट किया, जब आप उनको कंबाइन देखते हो तो वो हमारे पास क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। अब जिस तरह से मीन है, मॉड है, मीडियन है, ठीक है, मतलब उस स्टैटिस्टिक को कंबाइनली ज़्यादा सारे आप सैंपल्स में से देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक हो गया, डिफरेंट सैंपल्स जब हमारे पास होते हैं लेकिन पॉपुलेशन सेम होती है तो उस सारे डाटा को हम क्या कह रहे होते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम था, ये हमने सारी बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं जो आगे इन पॉइंट्स में सेंट्रल लिमिट थ्योरम में यूज होने जा रही हैं। ठीक है, अगर आपको इन टर्म्स की समझ आएगी तो फिर आपको इन पॉइंट्स की भी समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पॉइंट वन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, वो क्या है, अच्छा जी, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, हम ये बात कर चुके हैं, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का क्या मतलब हुआ, हमने ऊपर देखा कि जो आपने ज़्यादा सारे सैम्पल्स में से मीन निकाला था, उस मीन, उन सारे मीन्स को आप कंबाइन करें तो वो क्या बनेगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, और वो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को हम क्या कहेंगे, एक्स डबल बार। ये क्या था, एक्स डबल बार हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये क्या था, मीन ऑफ मीन्स था। ठीक है, एवरेज ऑफ मीन्स, मतलब ज़्यादा सारे मीन्स थे और उनको आपने निकाल लिया, उनका आपने एवरेज निकाल लिया, तो आप इसको हम क्या कह सकते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा कि एक ही सैम्पल में से आप क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और कौन सा डाटा आपने कलेक्ट किया, सॉरी, डिफरेंट सैम्पल्स में से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन सेम हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होता है। दूसरी चीज़ के हम उसको इक्वल कह रहे हैं म्यू के। ठीक है, म्यू हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन पैरामीटर है, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक्स डबल बार है वो क्या है, किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। और ये कैसे म्यू के इक्वल है, ये हमने फुल डिस्कस किया है यहाँ पर पिछले पॉइंट में, ये रहा हमारे पास कि किस तरह से ये म्यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, म्यू क्या है, पॉपुलेशन का मीन है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट वन। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट टू, हाउ वी फाइंड आउट दैट मीन इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव और मॉडल ऑफ डाटा। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा एक्स बार या एक्स डबल बार जो है वो हमारे जो मीन आ रहे हैं वो क्या करें, हमारे डाटा को, हमारे पॉपुलेशन को गुड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुड मॉडल हैं डाटा के, ठीक है, या फिर बैड रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा, पॉइंट टू हमें ये बताता है। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ये शो करती है कि बैड रिप्रेजेंटेटिव है, और लो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की ये शो करती है कि वो गुड रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, जितना आपके डाटा में आपकी मतलब डाटा जो है वो जितना ज़्यादा उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी, जितना वो डेविएट कर रहा होगा डाटा, ठीक है, जितनी उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी उससे ये पता चला होगा कि मीन जो है वो बैड रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, क्योंकि डाटा ज़्यादा उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, वो डेविएट बहुत ज़्यादा कर रहा है, वो उसमें दूर दूर की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मीन उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और अगर उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, मतलब आपका डाटा जो है वो कम डेविएट कर रहा है मीन से, तो इसका क्या मतलब होगा कि मीन जो है वो क्या है, गुड रिप्रेजेंटेटिव है, आपके डाटा में ज़्यादा वेरी एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं है, मतलब सेम सेम वैल्यूज़ आ रही हैं ज़्यादा, और इसमें डाटा के अंदर ज़्यादा एक्सट्रीम कोई 1, 2, 3, 4 है और आगे कोई 89 इस तरह से दूर की वैल्यूज़ आ जाएँ, तो हमारे पास क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। और अगर सब आस पास ही हों, फॉर एग्जाम्पल सब 20 से 30 तक लाए करें, तो ये क्या है, हमारे पास लो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी यहाँ पर, आपके डाटा में डेविएशन कम है, डिफरेंस कम आ रहा है वैल्यूज़ में, तो वो क्या है, गुड रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और अगर हम
यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हम देख रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा सारे जो मीन्स का हमने मीन निकाल लिया तो उनका आप देखना चाह रहे हैं कि वो सब जो है वो क्या करें, आपके डाटा से डेविएट कर रहे हैं कि नहीं, तो उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करना चाहें। तो हमारे पास यूजुअली जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये जो इतनी टर्म होती है इस सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसको आप क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। ये क्या है, सम है किसका, स्क्वायर हुआ हुआ है किस चीज़ का, डेविएशंस का। कौन सी डेविएशंस है, जो डाटा की वैल्यूज हैं उनकी डेविएशंस है मीन से। ठीक है, मीन की डेविएशन है डाटा वैल्यू से, मतलब सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। तो इसको आप एस एस भी लिख सकते हैं, अंडर रूट डिवाइडेड बाय एन। ठीक हो गया, ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x माइनस एक्स बार की बात नहीं हो रही, हम तब से किस चीज़ को डिस्कस करें, x डबल बार को। ठीक है, क्योंकि हम मीन ऑफ हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम खाली उसकी बात नहीं कर रहे मीन की, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, x डबल बार है। ठीक है, अब हमें चूँकि x डबल बार चाहिए और यहाँ पर क्या है, x माइनस एक्स बार है, तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो ओवरऑल बन रहा था वो क्या था, x बार था। ठीक है, और उसमें से आपकी डाटा वैल्यूज थी x। अब यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल है, जब आप इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा ओवरऑल क्या होता है, x डबल बार होता है। ठीक है, जो ओवरऑल एवरेज आ रही है, और जो ओरिजिनल वैल्यूज आपके पास गिवन होती हैं वो हमारे पास x बार है। ठीक है, मतलब ये अब आप इसकी देख रहे हैं कि ये जो है वो ओरिजिनल वैल्यूज़ के तौर पर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं एक्स बार को, कि ये डेविएट कर रहा है एक्स डबल बार से या नहीं, ओवरऑल जो एवरेज आया है ये उससे किस हद तक डेविएट कर रही है हमारे पास जो सैम्पल्स की अपनी अपनी मीन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इस एक्स की जगह पे एक्स बार आ जाएगा और इस एक्स बार की जगह पे एक्स डबल बार आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर किससे कंसर्न करें, एक्स, हम एक्स से कंसर्न नहीं करें, हम किससे करें, एक्स बार से, कि एक्स बार जो है वो गुड रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं एक्स डबल बार के लिए। मतलब जो हमने एक्स बार की हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ पर ये एक्स बार की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये गुड रिप्रेजेंटेटिव हैं एवरेज की या नहीं। ठीक है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ना कि हम x की वैल्यूज़ को देख रहे हैं कि वो हमारे मीन के इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जो हम पहले देखते होते थे जब हम नॉर्मल सी बातें करते होते थे, अब हम थोड़ा अच्छा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अब हम यहाँ पर x डबल बार यूज़ करेंगे। हाँ जी, तो ना x डबल बार यूज़ करेंगे और देन हमारे पास यहाँ पर वेरियंस क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स बार माइनस एक्स डबल बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, और अगर आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, अंडर रूट कर देते हैं, इसी वेरिएंस को आप अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, और ये अब हम इस ओवरऑल टर्म को हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है मीन की, ठीक है, और उसका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, उसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। ठीक है, जब दूसरा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता था वो क्या होता था, ये वाला जिस तरह से, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन है। ठीक है, ये मीन की एक्स बार की हम देख रहे हैं, एक्स बार की स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है इसमें। ठीक है, आप देखें एक्स बार है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो नीचे वाला है इसमें हम क्या करें, एक्स डबल बार की स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हैं, तो एक्स डबल बार को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक हो गया, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एक और नाम भी देते हैं जो कि क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है कि आपके डाटा में डेविएशन कितनी, और जितनी डेविएशन ज़्यादा है उतना ही पुअर रिप्रेजेंटेटिव है डाटा। ठीक है, और अगर जितनी डेविएशन कम है उतना ही डाटा जो है वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, तो एक किस्म का ये एरर है। जितना एरर कम होता है डाटा उतना अच्छा होता है, जितना एरर ज़्यादा होता है डाटा उतना ही बुरा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड एरर भी कह सकते हैं, और चूंकि हम यहाँ मीन की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की क्या मतलब है, आप ये इसको हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जिसका फार्मूला है हमारे पास यही वाला फार्मूला है जो हमने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। ठीक है, और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो जीरो हो, इसका क्या मतलब है कि हमारे जो एक्स बार है, ठीक है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो अगर परफेक्टली जीरो है, तो वो क्या मतलब है कि हमारा जो एक्स बार है, हमारा जो एक्स डबल बार है, वो हमारे डाटा को गुड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो एक्स मीन हमारा आ रहा है एक्स बार, वो डाटा को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हमारा ये जीरो का क्या मतलब है, एक्स डबल बार और एक्स ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब डाटा में डेविएशन कम आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसमें डेविएशन कम आ रही है,
ये देखें आप, ये ज़ीरो कैसे होगा? अगर ये जो डिफरेंस दरमियान में आ रहा है, अगर ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, एक्स बार माइनस एक्स डबल बार, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? ज़ीरो डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। अब आप ज़ीरो का स्केयर लें तो वो ज़ीरो होता है, उसके बाद ज़ीरो को आप डिवाइड करें किसी भी नंबर से, वो भी आंसर आपका ज़ीरो आएगा, तो फिर ही हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन ज़ीरो होगा ना। तो स्टैंडर्ड डिवीजन तब ज़ीरो होगा कि अगर आप एक्स बार माइनस एक्स डबल बार का हमारा जो ये आ रहा है डिफरेंस आ रहा है ये ज़ीरो हो, और ये ज़ीरो तब होगा जब आप एक्स बार और एक्स डबल बार आपस में इक्वल हों। जब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी तो ज़ाहिर सी बात है इनका डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा, और ये ज़ीरो आएगा तो फिर हमारा क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, और तब हम कहेंगे कि हमारा जो x बार है वो क्या करे, गुड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और जब ये आपस में इक्वल होंगे x बार, x डबल बार और x बार, इसका क्या मतलब है कि सारे मीन्स आपस में क्या है, इक्वल है, सारे जो सैंपल्स के आपने मीन निकाले हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, और वो इक्वल होंगे तो x बार डबल बार भी हमारा इक्वल आएगा, ठीक है। इफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन वैल्यू, अगर ये इसकी वैल्यू हाई होगी तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो डाटा है उसके अंदर क्या है, वो बैड रिप्रेजेंटेटिव है, पुअर रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स डबल बार के इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इनका आपस में जो डिफरेंस है वो भी इक्वल नहीं होगा, और फिर वो डिफरेंस भी सॉरी ज़ीरो नहीं आएगा तो वो एक्स डबल बार के इक्वल भी नहीं आएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो है वो डाटा क्या है, पुअर रिप्रेजेंटेटिव है। इन केस अगर इस तरह नहीं आ रहा है, इसका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, कोई बड़ा सा मतलब नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स बार और एक्स डबल बार में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जो मीन आया है डाटा का और जो ओवरऑल सिंपल मीन थे इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है, मतलब डेविएशन बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ रही हैं, और ये एक्स डबल बार एक्स बार हमारे डाटा को इक्वली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्यों जो है, व्हाई इज़ इट दैट हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स इंडिकेट दैट एक्स डबल बार इज़ पुअर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हाई वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड एरर की वो इस तरह ये बताती है कि हमारा जो एक्स डबल बार है वो क्या है, पुअर रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए होता है क्योंकि स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सैंपल्स में इशू है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर से यही पता चलता है कि सैंपल में इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ रही हैं सैंपल में, ठीक है। या ये हो सकता है कि सैंपल में कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आ गए हैं, ठीक है, किसी सैंपल में कम आ गए हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल सब टॉपर्स हो सकते हैं, एक ही सैंपल में आ गए, कुछ जो है वो दूसरे सैंपल में आ गए, तो इन केस इस तरह ये भी हो सकता है कि सैंपल साइज़ में कुछ इशू आ रहा हो, कोई सैंपल साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया हो, तो इसलिए ये भी होता है कि जब आप चांस फैक्टर्स भी आ जाते हैं तो इन केस जब इस तरह से ज़्यादा हमारा एरर आता है तो उसमें क्या क्या कहा जाता है कि आप अपने सैंपल को बढ़ा दें, ठीक है। सैंपल साइज़ अगर ज़्यादा कम हो तो उसमें भी थोड़ा इशू आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सब चीज़ें क्या है, ओवरऑल इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास चांस फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे एक्स डबल बार को पूरे रिप्रेजेंटेटिव करार दे रहे होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे डाटा में अब एक्स बार और एक्स डबल बार म्यू जो है वो एक्स बार डबल बार की इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है, कोई चांस फैक्टर्स हैं जिसमें ये सैम्पल साइज, इंडिविजुअल फैक्टर्स और डिफरेंट इशूज़ आ सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, चांस फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि बाय चांस जो आपके पास डिफरेंस, जो भी आपके पास एवरेज आए वो क्या है, बाय चांस आ गया, ठीक है, तो जो यहाँ पर डिफरेंसेस कॉज करे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, चांस फैक्टर भी कहते हैं और सैम्पलिंग एरर भी कहते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग एरर का मतलब है कि आपका जो सैम्पल है वो क्या है, गुड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का, जो आपने सैम्पल्स कलेक्ट किए, जिनसे आपने डाटा कलेक्ट किया, वो आपके पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, और जब वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो आप उनकी फाइंडिंग्स को भी जनरलाइज करने में इशू हो रहा होता है, ठीक है। हाई स्टैंडर्ड एरर का क्या मतलब है कि सैंपल जो है पुअर रिप्रेजेंटेटिव है, और लो सैंपल एरर का क्या मतलब है कि सैंपल जो है वो गुड रिप्रेजेंटेटिव है। अब जब हाई स्टैंडर्ड एरर हो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सैंपल अगर पुअर रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो क्यों है, क्योंकि उसमें कोई चांस फैक्टर्स हैं, ठीक है, कोई इश्यूज आ रहे हैं जो हमने ऊपर देखे कि चांस फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर सैम्पलिंग एरर ज़्यादा है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर तब ज़्यादा होता है जब सैम्पलिंग एरर ज़्यादा हो और चांस फैक्टर्स भी ज़्यादा हो, और तब हमारा जो सैम्पल है पुअर रिप्रेजेंटेटिव होता है। और जब लो स्टैंडर्ड एरर आ रहा होता है, इसका क्या मतलब है कि चांस फैक्टर्स कम है, ठीक है, आपका डाटा जो है वो अच्छा है, आपका सैम्पल जो है वो आपके पॉपुलेशन को गुड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर सैम्पलिंग एरर भी कम है, तो आपका सैम्पल इज़ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और सैम्पलिंग एरर किसकी वजह से हो रहा था, चांस फैक्टर्स की वजह से, इसीलिए हम सैम्पलिंग एरर को चांस फैक्टर भी कहते हैं, ठीक हो गया।
स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन टेल अस अबाउट द चांस फैक्टर्स, ये हमें बता रहा होता है इट इज़ द वे ऑफ मेयरिंग द सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर को जानने के लिए अगर आप स्टैंडर्ड एरर को मेयर कर लें, ठीक है, तो उससे आपको सैम्पलिंग एरर भी पता चल जाता है. और सैम्पलिंग एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कलेक्ट करते हैं जो हमें सैम्पलिंग एरर बताता है, और इससे हम चांस फैक्टर्स भी मेयर करते हैं. ठीक है, बेसिकली अभी पॉइंट टू में आपने दो चीज़ें डिस्कस की, वो कौन कौन सी थी, कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नोन एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है कि आपका डाटा जो है वो डेविएट कर रहा है, ठीक है, सैम्पल से, सैम्पल का डाटा पॉपुलेशन से डेविएट कर रहा है, तो एक किस्म का ये क्या है, आपको एरर बता रहा है. जितना ये डेविएशन ज़्यादा होगी एरर भी ज़्यादा होता है, जितनी डेविएशन कम हो एरर भी कम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी कह सकते हैं. ठीक हो गया. दूसरी चीज़ हमने देखी कि ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है ये क्या होता है, एक किस्म का सैम्पलिंग एरर है. ठीक है, जिस तरह ये स्टैंडर्ड एरर, तो ये हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग एरर है, चांस फैक्टर है. ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर किसकी वजह से हो रहा होता है, चांस फैक्टर्स की वजह से हो रहा होता है. जितना ज़्यादा चांस फैक्टर्स है, स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होंगे, ठीक है, उतने चांस फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, उतना हमारा जो है वो हायर द सैम्पलिंग एरर, एरर उतना ज़्यादा होगा, काम हम डाटा को जनरलाइज नहीं कर सकेंगे, मतलब हम फिर डाटा को जनरलाइज नहीं कर सकेंगे जितना सैम्पलिंग एरर ज़्यादा होगा. ये दो बेसिक पॉइंट्स हमने इस पॉइंट में डिस्कस किए. ठीक है, और मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू म्यू इफ स्टैंडर्ड एरर इज हाई. अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि एक्स डबल बार जो म्यू के इक्वल नहीं है, मतलब जो पॉपुलेशंस का, जो पॉपुलेशन का मीन है वो सैम्पल्स के मीन के इक्वल नहीं आ रहे. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर यही बता रहा है ना कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. जब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपस में पॉपुलेशन का मीन और सैम्पल्स का मीन इक्वल नहीं होंगे, और अगर आपका जो है वो इस इन केस फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डाटा को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. और अगर आपका एक्स डबल बार जो है वो म्यू के इक्वल हो तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो कम है. ठीक है, और आप डाटा को जनरलाइज कर सकते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कम का क्या मतलब है, सैम्पलिंग एरर कम है, जनरलाइजेबिलिटी हाई है, सैम्पल जो है वो पॉपुलेशन का गुड रिप्रेजेंटेटिव है. तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इस तरह से स्टैंडर्ड एरर जो है वो बहुत इसेंशियल रोल प्ले कर रहा होता है. ठीक है, इसमें और हमारे पास एग्जाम्पल आती है, अगर हमारे पास 50 नंबर ऑफ पीपल हों, ठीक है, हमने क्या किया, 5 सैम्पल्स उनमें से कलेक्ट किए, 10 10 10 10 10, उसके बाद हमने क्या किया, ईजिली हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा. अगर हमारे पास सैम्पल पॉपुलेशन इतनी कम हो और हमारे पास ऑलरेडी उस पूरे पॉपुलेशन का डाटा हो, तो इस सिचुएशन में हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वाला काम करें, हम इसमें से सैम्पल लें, हम उनका डाटा कलेक्ट करें और फिर हम उसको उसके पॉपुलेशन के डाटा के साथ कंपेयर करें, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं. अगर हमें पूरा पॉपुलेशन का सब पता है, अगर हमें पॉपुलेशन का ही मीन पता है, म्यू ऑलरेडी हमें पता है, सब कुछ हमें पता है, तो हमें एक्स बार हर किसी का अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद उसको उसके साथ इस तरह से जनरलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यही होता है ना कि आप सैम्पल का डाटा लें और आप उसको जनरलाइज करें, पॉपुलेशन पे काम छोटा करें, ठीक है, जल्दी जल्दी काम खत्म करें, पूरे पॉपुलेशन पे ना करना पड़े. लेकिन अगर आपको पॉपुलेशन का ऑलरेडी पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वाला काम करें, आप अलग अलग हर किसी के सैंपल लेते रहें. ठीक हो गया. उसके बाद जी हमारे पास आता है, वैसे वो कहते हैं कि नॉर्मली हम इस तरह हर सैंपल नहीं लेते, हमारे पास एक सैंपल होता है क्योंकि हमारा डाटा जो है नॉर्मली बहुत बड़ा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादातर बड़ी होती है. ठीक है, जब भी आप रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, हम एक ही सैंपल लेते हैं, उसी से डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. ये थे पॉइंट टू. अब हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, वो क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ नंबर साइज ऑफ सैम्पल. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर, ये एस सी हमें क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ठीक है, एस हमारे पास जो सिंपल एस होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल को डिनोट करता है. ठीक है, और जो हमारे पास एन होता है वो किसको डिनोट करता है, सैम्पल के साइज को. ठीक है, तो ऐसे जी ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर. अब ये क्या हमें बता रहा है, स्टैंडर्ड एरर इट टेल्स सैम्पलिंग एरर चांस फैक्टर. अब ये स्टैंड हम ऊपर देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो भी क्या चीज़ है, सैम्पलिंग एरर है, चांस फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी हमें क्या बताएगा, सैम्पलिंग एरर ऑफ मीन बताएगा. ठीक है, हमें एरर्स बताएगा. अब आपको ये इक्वेशन ही बता रही है कि एस ई ऑफ मीन, ये जो स्टैंडर्ड एरर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के. ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के. जितना स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना स्टैंडर्ड एरर बढ़ता जाएगा उतना जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपस में डायरेक्टली, जितना स्टैंडर्ड एरर बढ़ता जाएगा उतना हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ता जाएगा. डेविएशन क्या है कि डाटा कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है, वो भी एक किस्म का एरर है, तो ये स्टैंडर्ड एरर भी वही बात है, जितना एरर बढ़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ेगी. ठीक है, और साइज ऑफ सैंपल उसका उल्टा आ रहा है. ठीक है, जितना स्टैंडर्ड एरर बढ़ता जाएगा साइज सैंपल कम होता जाएगा. अगर आपके पास सैंपल साइज कम है तो आपका स्टैंडर्ड एरर बढ़ता जाएगा, अगर आपके पास सैंपल साइज लार्ज है तो आपका स्टैंडर्ड एरर
कम होता जाएगा। ठीक हो गया, ये था पॉइंट थ्री। इसमें हमारे पास वेरिएबिलिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सेज पर डिपेंड करती है, कि आपके सैम्पल पे जो सैम्पल के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी वजह से वेरिएबिलिटी आ रही होती है। अब आप इन रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मतलब लोगों को नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल परफेक्टली रिस्पॉन्ड करें, लोग गलत रिस्पॉन्ड कर देते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सैम्पल साइज़ है। ठीक है, जितना आप सैम्पल साइज़ बड़ा लें, लेकिन अगर कुछ लोगों ने गलत डाटा दे भी दिया तो अगर आपके पास सैम्पल साइज़ ज़्यादा है तो कुछ लोगों का सही डाटा भी आपके पास हेल्पफुल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बड़ा सैम्पल लेना चाहिए ताकि आप उसको इक्वली रिप्रेजेंट कर सकें पॉपुलेशन पे। ठीक हो गया, दैट इज ऑल अबाउट द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी, इसमें हमने थ्री पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।